छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी है नशा, सहमे सहमे रहते हैं, करते रहते हैं फरियाद। अबे यार, अबे भैया, आज तो बहुत थक गया काम कर कर के यार। अल्लाह अल्लाह, ओए होए होए, ओ अबे वाह भैया, अबे क्या बात है, बड़ा मेहरबान है भैया आज तू है। सुश्री जी, मैंने सोचा आप काम करके थक गए होंगे तो आपको पानी पिला दूं। बात सुन, मैं इस जेल का तुझसे पुराना कैदी हूँ, मुझे आदत है। फिर भी सुसर जी, आप काम करके थक गए होंगे ना, आपको और पानी पिलाऊं, जूस पिला दूं? अबे बात सुन, मैं कोई रेगिस्तान से नहीं आ रहा हूं यार, जो इतनी इमरजेंसी में पानी पिलाया जा रहा है मुझे। अच्छा तो फिर अपने हाथों से गर्म गर्म चाय बना दूं? हाय 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 हाय, अबे ये क्या सुन रहा हूं मैं, अबे मेरे लिए चाय बनाएगा तू? सुसर जी आप हुक्म तो करें, चाय क्या चीज है, मैं आपके लिए बिरयानी बना दूंगा। एक मिनट ठहर, चक्कर क्या है पहले ये बता। अबे इतनी इज्जत तो मुझे मेरी शादी पे मिली थी आखिरी दफा। अरे ससुर जी कोई चक्कर वक्कर नहीं है, आप परेशान ना हो, बस आप हुकुम करते रहे, मैं सारे हुकुम बजा लाता रहूंगा। भाई चक्कर क्या है यार? ये है तो सच, मगर ऐसा कैसे हो सकता है सर जॉनी स्कीम, ये नाम तो कभी सुना ही नहीं मैंने। मम्मी जी अंग्रेजी नाम है ना, तो सच ही लगता है, और वैसे भी ये जो अंग्रेजी चीजें होती है ना, ये बहुत फायदेमंद और कारामद होती हैं। बात तो तुम्हारी ठीक है। अच्छा सुनो लड्डू, तुमने गुलाम को बताया तो नहीं? आपने अपने लड्डू को इतना बेवकूफ समझा है? अब इतना तो मुझे पता है, अगर उनको पता चल गया ना तो उसी वक्त घर से भाग जाएंगे वो, इसीलिए तो नहीं बताया। रकम काफी बड़ी है, तुम गुलाम के साथ अपना रवैया अच्छा कर लो ना तो बेहतर होगा। वो तो मेरे पार्टनर है, वैसे भी आप लोग देख लें। क्या मतलब, कैसा पार्टनर? क्राइम पार्टनर है? अब मेरा मतलब है मम्मी जी, वो हम लोग सारे काम मिलजुल के करते ना, वो क्या कहते हैं, वो अपना वर्किंग पार्टनर, वर्क पार्टनर है हम लोग। ओ अच्छा अच्छा, ये बात है। बस तुम इस बात का ध्यान रखना कि गुलाम को किसी सूरत बिना इस बात का पता ना चलने पाए। नहीं मम्मी जी, आप फिक्र ही ना करें, उन्हें बिल्कुल पता नहीं चलेगा। अच्छा ये बताओ कि हनी कहाँ है, मुझे नजर नहीं आ रही। अरे मम्मी जी, वो अपनी दोस्त के साथ शॉपिंग पे गई है, कह रही थी वापसी पे ससुर जी के लिए बहुत सारे तोहफे लेकर आएगी। ये हुई ना समझदारी वाली बात, आखिर बेटी किसकी है? क्यों आपको नहीं मालूम? चलो जाओ मेरे लिए एक कप चाय लेकर आओ, ज्यादा फ्री हो जाते हो। जी जी जी। गुलाम क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, थोड़ा टीवी देख रहा था मैं। अरे छोड़े ना, क्या आप हर वक्त टीवी देखते रहते हैं? वो अच्छा मैं जा रहा हूँ, काम करने जा रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, आपको भला काम करने की क्या जरूरत, लड्डू है ना काम करने के लिए। आप ऐसा करें कि अपने कमरे में जाइए और जाके आराम कर लीजिए। अबे ये क्या हो रहा है इस घर में आज? अच्छा मैं थोड़ी सी देर के लिए बाहर जा रही हूँ, कुछ काम है। सुनिए आराम कीजिएगा। अच्छा जी 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 जी, मैं जल्दी आ जाऊँगी। जी अच्छा जी अच्छा जी अच्छा। अबे ये सब क्या हो रहा है गुलाम? अबे इतनी इज्जत मैं कभी जिंदगी में सोच भी नहीं सकता। देखना पड़ेगा देखना पड़ेगा, कुछ है चक्कर देखना। अबे यार जैसा भी है बस ठीक है, अच्छा है बहुत, आराम से लेटेंगे यार, आराम करेंगे भैया। अच्छा जी अच्छा। अबे ये क्या है यार? लॉटरी, गुलाम मेरा नाम 1 करोड़। अबे अबे अब सारी बात समझ में आ गई मेरे। अच्छा बाबू, अबे लड्डू। जी सुसर जी। बेटा जो तू बता नहीं रहा था ना, छुपा रहा था हमसे ना, वो मुझे मालूम हो गया है। क्या मालूम हो गया सुसर जी? यही कि मेरा इनाम निकला है, और वो भी 1 करोड़ का। अरे 1 करोड़ का नहीं, 1 करोड़ पाउंड का। हाँ 1 करोड़ पाउंड का यार। बात सुन,
ये एक पाउंड में कितने किलो होते? अरे ये वो वाला पाउंड नहीं है सर जी, ये इंग्लैंड की करेंसी है और उसके एक पाउंड का मतलब पाकिस्तानी कोई लगभग 200-225 रुपए होते हैं। 200 पाउंड 200 पाउंड 1 करोड़ 1 करोड़ 1 पाउंड 1 पाउंड 200 ससुर जी। अरे गुजर तो नहीं गए खुशी में? अच्छा खाला, आप मुझसे मिलने इंग्लैंड जरूर आइएगा, हैं? मैं वो पूछ के बताता हूँ कि कौन सी बस आती है डायरेक्ट। खुदा हाफिज। फुप्पा रह गए। फुप्पा सलाम फुप्पा, क्या हाल है फुप्पा? वो मेरी लग गई है। हाँ नहीं नहीं नहीं, अरे फुप्पा कैसी बातें कर रहे हैं, तानी बेगम तो जिंदा है भाई। हाँ हमारे से नसीब कहाँ। नहीं नहीं मेरा मतलब ये कि, अच्छा फुप्पा बात ये है कि मैं इंग्लैंड हूँ, आप समझ लीजिए अब जो बात करूँगा तो इंग्लैंड से करूँगा, तो आप चक्कर लगाइएगा चाय वाय पीने। हाँ हाँ सब कुछ जनाब सब कुछ, यहाँ आऊँगा कभी कभी ले। आ रहा हूँ भाई आ रहा हूँ। आइए आइए आइए, तशरीफ रखिए ससुर जी। ससुर जी क्या यार, ससुर जी क्या बात है? मिस्टर गुलाम, हम सर जॉनी स्कीम का बहुत खास आदमी है, तब वो गरीब आदमी है जिसका इनाम निकला है। आपको कहीं देखा देखा सा लगता है। देखा होगा, जरूर देखा होगा, मलका एलिजाबेथ के साथ देखा होगा, हम बहुत मशहूर अंग्रेज है। खैर छोड़ो इस बात को, मेरा इनाम कहाँ? तुम्हारा इनाम तैयार है, उससे पहले तुमको लगान देना होगा। लगान? आई मीन टैक्स। टैक्स? इनाम मिला नहीं है, टैक्स पहले से। ये हमारा मुल्क का पॉलिसी है, इसीलिए इंग्लैंड बहुत तरक्की करता है। तो कितना टैक्स देना होगा? 4 लाख रुपया। अच्छा 4 लाख। ओ भाई नहीं चाहिए हमें इनाम, 2 रुपए जेब में नहीं है, तुम 4 लाख मांग रहे हो यार। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? क्या कर रहे हैं ससुर जी? जल्दी जल्दी बोलो क्या फैसला करता है। सुनिए थोड़ा इंतजार कर ले, मेरी मालकिन आएंगी ना, मेरा मतलब है कि मेरी बेगम आएंगी ना, तो वो आपको पैसे दे देगी। उस वक्त तक हम क्या करेगा? तब तक आप यहाँ बैठेगा, हम आपकी खातिर बदारत करेगा। यस मिस ताना बाना, फिर क्या करना मांगता, क्या सोचा? ताना बाना नहीं, तानी बेगम। तानी बेगम जी। वही वही, जल्दी जल्दी फैसला करना मांगता, हमें टैक्स का पैसा दो फिर हम तुम्हारा इनाम का रकम भेजता। देखिए जी 4 लाख रुपए इतनी बड़ी रकम अभी तो नहीं है, घर में तो नहीं रखी होती ना, तो आप कल आकर ले जाइएगा। हमको कल फिर आना होगा? नहीं नहीं नहीं, हम नहीं आएगा, इनाम कैंसिल। देखिए सर आप जज्बाती ना हो, मैं ऐसा करती हूँ कि ऑफिस फोन करके ना रकम का बंदोबस्त करती हूँ, आज ही मिल जाएगी। बहुत अच्छा, जल्दी करने को मांगता। गुलाम और लड्डू आप ऐसा करें कि इनको गेस्ट रूम में ले जाएं, इनकी खातिर तवाजो करें, ठीक है? और मैं ऑफिस फोन करके ना बंदोबस्त करती हूँ रकम का अभी। ये हमको बहुत समझदार खातून लगता है। बस इस घर में मैं ही एक समझदार हूँ। ठीक है इनाम तो मिल जाएगा ना। आपको किसी चीज की भी जरूरत हो तो आप लड्डू को बोल दीजिएगा। हमने सुना पाकिस्तान में बिरयानी बहुत अच्छा मिलता है, हमको बिरयानी खाना है। अगर आप कहे तो अपने हाथ से बना के बिरयानी खिला दूं आपको। हमने तुम्हारा हाथ का बिरयानी नहीं खाना है, हमें बाजार का बिरयानी खाना है। ठीक है
और कोई हुकुम? बस अब हम थोड़ा रेस्ट करना मांगता है, तुम दोनों जाओ यहाँ से। ठीक है। सोते हुए ये अंग्रेज तो बिल्कुल थप्पा से मिलता है। मिलता नहीं है, ये थप्पा ही है। तुम दोनों यहाँ पे क्या करना मांगता है? तुम लोग टैक्स का रकम लाओ वरना तुम्हारा इनाम खत्म। तुम ऐसा क्यों देखता है? गुलाम मुझे माफ कर दे, वो तूने मुझे इनाम की रकम का बताया तो मैंने कहा तू तो खरबपति हो ही जाएगा, तो मैं भी थोड़े पैसे बटोर लूं। बड़े अफसोस की बात पप्पा। और अगर मम्मी जी को ये पता चल गया पप्पा जी, तो वो आपका और ससुर जी का जो हश्र करेंगी ना। हाँ। नहीं नहीं, उसका भी हल है मेरे पास। ससुर जी, किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। अब देखो ना, अपने ही लूटने के लिए आ गए यहाँ। मेरा तो इंसानियत पे से एतमाद ही उठ रहा है हमेशा के लिए। अरे ससुर जी, परेशान क्यों होते हैं? एक बार लॉटरी के पैसे हाथ में तो होने दें। अबे तो तू इतना खुश क्यों हो रहा है भाई? कोई आया, मैं देखता हूँ। दिमाग खराब करके। आइए आइए, कहाँ से सीख ली इतनी अंग्रेजी? आइए आइए, यहाँ बैठिए, बैठ जा। ससुर जी, फर इंग्लिश बोलता है। दिस। हेलो, हाउ आर यू डूइंग? वेरी मच। मुझे तो शक्कर से ये भी फ्रॉडी लग रहा है। पकड़ के ला, भागने ना पाए। इट्स टू हॉट आउटसाइड, कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर? क्या कह रही? मेरा ख्याल है पानी मांग रहा है। पानी पानी पिलाते पानी तेरे को। इधर आए ना, इधर आए, हमारे साथ बैठे। यहाँ पे बैठे, बैठ जाए। ससुर जी, पकड़ लिया। What the hell you guys are doing? Leave me. ससुर जी, मारे इसको, बदला लिया हमने, मारे मारे पिटाई करी थी। मुझसे ज्यादा जानता है। सुर जानी के आए आगे अगला स्टॉप है खुदा की बस्ती। क्या समझ रहा है मेरे को? No, please let me go. If you guys don't need your money, lottery, it's okay. लड्डू, please let me go. मिर्चे लेके आया, पकड़ के रखना। जाने से पहले लेके आया। नहीं, मिर्चे लेके आया। उस मिर्चों में मिलावट जरूर है, तेरे काम आएगी ये मिलावट। मिर्चे कम लगेंगी। ये लेंस लगा के ग्रीन ग्रीन आके करके हमें बेवकूफ बना रही है, हमें बना रही है बेवकूफ। अबे मिर्चे कब लाएगा भाई? वो पीछे रखी हुई बरनी यार। पुलिस पुलिस, ओए 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 ओए, अब भाग्य ना अब नहीं आएगा। ससुर जी, मिर्ची मेरी आंखों में डाल दे। अबे नहीं ना, मजाक कर रहा हूँ यार। तौबा तौबा, अरे मुझे तो इतनी शर्म आ रही है कि कोई हद नहीं है। ये क्या हरकत की है आपके फूफा ने? मैं भी बहुत शर्मिंदा हूँ बेगम इस बात से। लेकिन वो जो अंग्रेज आया था वो? अरे ये सब मजाक लग रहा है मुझे, ढोंगी लग रहा था मुझे वो भी। देखिए बेगम, हमारे ऐसे नसीब कहाँ, किसी ने हमारे साथ मजाक किया है। हाँ हाँ मम्मी जी, ससुर जी के साथ तो मजाक ही हो गया, वो तो इनको भी अपना गुलाम बनाना चाहता था। अच्छा अच्छा, बहुत हो गया ये इनाम और लॉटरी, चलिए जाइए और जाकर कपड़े धोइए। क्या बेगम, आज तो कम से कम आराम करने देती। गुलाम, समझ गया, मैं तो मजाक कर रहा था। फौरन जाइए और अच्छी तरह कपड़े रगड़ रगड़ के धोइएगा, वरना वरना मुझे पता है आप मुझे ही रगड़ देंगी जी। टहनी पे किसी शजर के बुलबुल था कोई उदास बैठा। क्या हो गया ससुर जी,
इतने उदास क्यों बैठे हैं? अपनी किस्मत पे उदास हूँ यार। अरे यार, ऐसा लगता है कि शादी से लेके आज तक जितने फ्रॉड किए सब मैंने ही किए। भूल जाए ना, जाने दे इस बात को। अरे कैसे भूल जाऊं यार, अभी कपड़े धोने मुझे यार। ठीक है, धुल जाएंगे कपड़े भी, क्या मसला है यार? आज कपड़े धोने का दिल नहीं चाह रहा दरअसल। अरे सुसर जी, हम इस घर में दिल से नहीं, मम्मी जी के हुक्म से चलते हैं। यार लड्डू, आज कपड़े तू धो ले यार। मेरे अपने पास बहुत काम है सुसर जी। अब क्या करें? अरे तू धोबी से धुलवा ले बाहर से। पैसे कहां से आएंगे? पैसे, आइडिया। अब जल्दी बोलना, आइडिया क्या है? ओ, पैसे दो तीन दिन में जुगाड़ करके दे देंगे उसको। अब कपड़े तो आज धुलवाने हैं और पैसे भी आज ही मांगेगा वो। हाँ तो मैं उसको कोई कहानी सुना दूंगा और हो जाएगा काम। वो मान जाएगा? नहीं मानेगा तो मैं मालूंगा। हाँ ये बात समझ में आती है यार। हाँ तो बस फिक्र ही ना करें, हो जाएगा काम। अरे यार वाह वाह यार लड्डू, शाबाश यार, अब ठीक है। मुर्सलीन, ओ मुर्सलीन। अबे छोटे, तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे आपको तो मालूम है, पहले मैंने कसाई का काम शुरू किया तो मार्केट में खोटे आ गए। जब मैं दूध वाला बना, लोगों ने डब्बे वाला दूध पीना शुरू कर दिया। अच्छा बस 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 बस, मुझे तेरे शजरे काम के बारे में सब मालूम है। ये बता मुर्सलीन कहाँ है? उस्ताद के काम से गए, मुझे बताइए क्या धुलवाना है। अबे यार ये कपड़े धुलवाने। किसके हैं? मोहल्ले वालों के। अबे हमारे और किसके? पता नहीं, बस आप मुझे एडवांस देना पैसे। अबे तू कपड़े धोना, पैसे कल मिल जाएंगे ना, लड्डू बोल रहा है। नहीं नहीं, उस्ताद ने मुझे मना किया, किसी को उधार में काम नहीं होगा, बस आप मुझे पैसे दे जाए। अच्छा बात तो सुन यार, तू ये रख ले यार। इसका मैं क्या करूँगा भाई? अबे यार इस पे इनाम निकला है, तुझे पता है तेरा बहुत बड़ा इनाम निकल आएगा। पर मुझे कैसे मिलेगा, इस पर तो गुलाम साहब का नाम लिखा हुआ है। बे बे, मैं नहीं जानता, मुझे आप पैसे देके जाएं। अबे ये स्कीम यतीमों और गरीबों के लिए, तू भी तो यतीम है ना? हाँ, गरीब भी। हाँ तो हो सकता है कल तक तुम्हारा इनाम निकल आए तो पैसों की जरूरत भी नहीं होगी। ओ भाई सिंगर को आदमी दिखा, चल 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 ले ले ले। अच्छा अभी तो तू ये रख लेना, मैं तुझे कल परसों में पैसे दे जाऊंगा। असली है ना? अबे उसमें नंबर लिखा है, तू फोन करके चेक कर ले। ठीक है। अच्छा चल तू ये कपड़े धो देना, मैं आके ले जाऊंगा। ये आदमी है। आज की खास खास खबरें, बरतानिया के एक अरबपति रईस सर जॉन जैकब के इंतकाल पर गरीबों के लिए सर जॉनी स्कीम के नाम से निकाली गई एक इनामी स्कीम के तहत एक पाकिस्तानी को 1 करोड़ पाउंड का इनाम और बरतानिया भेजा जा रहा है। ये थी अब तक की खास खास खबरें। अरे तेरी की यार, लड्डू लड्डू, अबे लड्डू, अबे यार लड्डू, क्या हो गया सुसर जी, क्या हो गया? अबे लड्डू, वो जो सर जॉनी स्कीम है ना, वो फ्रॉड नहीं है यार, सही है। अब ये खबरों में बता रहे थे यार। क्या कह रहे हैं सुसर जी? हाँ यार, तू फिकर निकल, फिकर निकल, वो जो पर्ची थी ना, पर्ची वो लेके आ जल्दी। वो पर्ची तो मैंने धोबी को दे दी। अरे क्या बकवास कर रहा है यार तू, अबे क्यों दे दी मुझसे, क्यों दे दी यार? अरे सुसर जी आपने ही तो कहा था मतलब कि वो कपड़े धुलवाने, तो आपके काम के लिए दे दी पर्ची उसको। दे दी यार, लेकिन पूछ तो लेता यार। भाई आप ही ने तो कहा था वो फ्रॉड है, तो रद्दी समझ के मैंने छोटू को दे दिया। छोटू? छोटू कौन? अरे वो छोटू नहीं है, वो जो हर वक्त अपना काम बदलता रहता है, वो आजकल मुर्सलीन के बाद धोबी का काम कर रहा है। उसने कहा फ्री में कोई काम नहीं होगा तो मैंने दे दिया उसको। आपके लिए क्या उल्टा मुझे बातें सुना रहे हैं? अच्छा तू यहाँ बैठा भाई, यार छोटू को तो पकड़ना यार। आप खुद देख ले, मैं तो नहीं देख रहा। अरे यार ओ छोटू, छोटू ओ तेरी ऐसी, छोटू ओ छोटू, छोटू कौन? छोटू छोटू, अबे छोटू यार, छोटू, अबे वो इनाम वाला पर्चा और छोटू दोनों का है? इनाम वाला पर्चा? अबे यार अच्छा अच्छा अच्छा, वो सरजानी स्कीम? सरजानी नहीं यार, सर जॉनी स्कीम यार। हाँ सर जॉनी स्कीम। अच्छा जब भी मैं बोलूँ, पहले तो मेरी मिन्नतें करके मुझे कहा कि नौकरी पर रख लो। हाँ। अब जब मैंने नौकरी पर रख लिया तो साला लात मार के चला गया मेरी नौकरी को। चला गया? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता यार। चला गया कहाँ चला गया? अबे यार अबे कहाँ चला गया? गुलाम साहब चलो आनंद, चलो शाबाश। छोटू 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 तेरी पकड़। ओ छोटू, ओ छोटू, ओ
छोटू छोटू चट्टियल सैयारा आपके घर में कुछ दिन क्याम करेगा, तभी आपके कारोबार की बंदिशें दूर। मैं मेहमान हूँ आपका। यहाँ पे कोई मेहमान कोई मेजबान नहीं है, इंतहाई बदतमीज से बद अखलाक लोग रहते हैं। आप हेयर स्टाइलिश है, आपके अपने बाल कहाँ गए? बगैर बालों का हेयर स्टाइलिश मैंने आज देखा है। आप भी अपने सर पे बाल उगवाना चाहते है ना? चाहता नहीं हूँ, मगर अब तो उगवा के रहूंगा। दुनिया तेरे बाल देखे तारीफ करे, तेरी कोई गर्लफ्रेंड हो तेरे बालों में हाथ फेरे, इन दोनों के ना बाल आपने ऐसे बनाने कि ये इंग्लिश फिल्म का हीरो लगे और इसको विलन बना। क्या ये मेरे बाल काटेंगे? अबे इसकी तो खुद जमीन खुशहाली का शिकार है। अबे इनके लुक्स में मत जाइए, इनका स्टाइल है। ये कैसा स्टाइल? मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी है नाशार, सहमे सहमे रहते हैं, करते रहते हैं फरियाद।